हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी किड अराउंड। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है फर्स्ट क्राई की शॉपिंग हॉल को लेकर। मैंने रिसेंटली फर्स्ट क्राई से काफी सारी चीजें परचेस की हैं आरुष के लिए, मॉनसून एसेंशियल चीजें जो आरुष को मॉनसून में काम आने वाली हैं। वैसे तो मैं हमेशा आरुष की छोटी से लेकर बड़ी चीजें जो भी होती है फर्स्ट क्राई से ही परचेस करती हूँ, तो इस बार भी मैं फर्स्ट क्राई से परचेस किए बिना कैसे रह सकती थी, क्योंकि इस बार तो मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन था फर्स्ट क्राई से शॉपिंग करने का। वो रीजन है कि फर्स्ट क्राई पे चल रही है मॉम ऑफ ऑल सेल, जो कि है सब की माँ, सारे सेल्स की माँ, क्योंकि इसमें है बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफर इस बार, क्योंकि इस बार काफी सारे आइटम्स हैं जो बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। फर्स्ट क्राई में काफी आइटम्स पे 70% ऑफ मिल रहा है, काफी पे 60, 40, 50। तो जो ये मॉम ऑफ ऑल सेल जो चल रही है फर्स्ट क्राई पे, उस पे आपको मिल रहा है 40 से लेकर 70% तक ऑफ काफी सारे प्रोडक्ट्स पे। तो अगर जब सेल चल रही है तो हम जैसी माएं शॉपिंग करने से कैसे रुक सकती हैं, तो इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाया और करी है काफी सारी परचेस आरुष के लिए, जो मैं आपको वन बाय वन दिखाने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉम ऑफ ऑल सेल चल रही है फर्स्ट क्राई पे, जिसपे आपको मिल रहा है 40% से लेकर 70% का डिस्काउंट काफी सारे प्रोडक्ट्स पे। किसी किसी प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट कम है, किसी पे ज्यादा है, पर मेरे पास एक ऐसा कूपन कोड जिसको अगर आप लगाएंगे तो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर वो प्रोडक्ट्स फैशन से रिलेटेड है, मीन्स कोई सा भी प्रोडक्ट अगर फैशन से रिलेटेड है, तो आपको मिल रहा है उस पर गारंटीड, मतलब गारंटीड चाहे कितना भी डिस्काउंट हो उस पर, पर आपको मिलेगा उस पर गारंटीड 50% का डिस्काउंट। और अगर आप कोई नॉन फैशन आइटम्स को चूज कर रहे हैं, जैसे कि कुछ और जो फैशन से रिलेटेड नहीं है, जैसे स्किन केयर हो गया, टॉयज हो गए, बुक्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, तो आप अगर वो आइटम चूज कर रहे हैं तो मेरा कूपन कोड लगाने पे आपको उस पर मिलेगा गारंटीड 45% ऑफ। वो कूपन क्या है उसको जानने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये, मैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड शर्त ये है कि इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। एंड थर्ड शर्त है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि वो कूपन कोड मैं आपसे लास्ट में ही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी देर नहीं करते, क्योंकि मेरे पास ये अमेजिंग कलेक्शन मॉनसून के लिए जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट से। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो तो आप शायद गैस ही कर लेंगे कि मॉनसून में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है। मॉनसून सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये अम्ब्रेला। तो मैंने परचेस किया आरुष के लिए किड्स फ्रेंडली अम्ब्रेला, जो कि बहुत अच्छा है। ये है बायफिक्स कंपनी की तरफ से। इसका लिंक सबकी परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आइटम्स को ढूंढने में। तो ये है बायफिक्स की तरफ से अम्ब्रेला। इसका प्राइस है 999 रुपीज, पर ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है। ये मुझे 489 रुपीज का मिला है, एंड कूपन कोड लगा के और सस्ता मिला था मुझे। वैसे तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग और बहुत क्यूट क्यूट अम्ब्रेलास अवेलेबल हैं फर्स्ट क्राई की साइट पे, आप जाके एक बार देखिएगा, इतने प्यारे अम्ब्रेलास थे। बट आरुष की एक ही डिमांड थी कि उसको अपने अम्ब्रेला में चाहिए थी ये विसल, इसलिए उसने मुझसे यही वाला परचेस करवाया कि मुझे विसल वाला ही अम्ब्रेला चाहिए। तो इसमें ये विसल दे के रखी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। इसमें यहाँ पे एक बटन है जिसको प्रेस करके आसानी से खुल जाता है, देखिए। एंड इसका प्रिंट कार्स वाला है, और भी काफी सारे प्रिंट्स में ये अवेलेबल था, एवेंजर्स वगैरह, स्पाइडरमैन, काफी सारे प्रिंट्स में ये अवेलेबल है। और आरुष को ब्लू कलर का चाहिए था, तो मैंने ये ब्लू कलर का परचेज किया है। काफी सुंदर अम्ब्रेला है ये, इसको खोलना और बंद करना बहुत इजी है, बहुत आसानी से आरुष इसको खोल लेता है, बंद कर लेता है, कि बहुत सॉफ्ट है लगाने में और खोलने में। ओवरऑल तो मुझे बहुत पसंद आया, इसका प्रिंट, इसका कलर अमेजिंग है।
इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है, मैं और आरुष दोनों इसमें आराम से बन सकते हैं। मतलब ना ये ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे साइज के भी अवेलेबल थे बच्चों के, पर ये परफेक्ट साइज है आरुष के लिए, वो उसको आराम से हैंडल भी कर लेता है और सही साइज है इसका। मॉनसून में सेकेंड मोस्ट चीज जो इम्पोर्टेंट है वो होता है फुटवेयर, तो मैंने आरुष के लिए परचेज किया ये क्रॉक्स। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं क्रॉक्स यूज कर रही हूँ आरुष के लिए, क्योंकि आरुष पहले नहीं पहनता था, बट अब बाकी फ्रेंड्स को देखता है, सबको देखता है, तो उसका उसने खुद मुझसे बोला कि मम्मा मेरे को एक क्रॉक्स परचेज करो। तो मेरे पास है ये पाइन किड्स का क्रॉक्स जिसका प्राइस है 499 रुपीज, एंड ये मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बार आप साइट पे चेक कीजिएगा, सबकी परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है मैंने। तो मैंने ये वाले परचेस किया आरुष के, जो बहुत 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 क्यूट है, कलर्स का बहुत प्यारा है, बहुत सूदिंग कलर है एंड बहुत क्यूट भी है। यू कैन चेक दैट, बहुत ही प्यारा है ये येल्लो एंड ब्लू कलर का। आई रियली लव दिस क्रॉक्स एंड काफ़ी कंफर्टेबल है, जो इनका मटेरियल है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है बच्चों के पैरों के लिए। अंदर ग्रिप भी है बच्चों की, ताकि अगर पानी भर जाए तो बच्चों का पैर फिसले ना, तो अंदर इसकी ग्रिप भी देके रखी हुई है। नीचे भी काफ़ी अच्छा सोल है इसका, ताकि बच्चे इसमें स्लिप नहीं होंगे। हम लोग फुटवेयर को काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं मानसून में, बट आई मस्ट से कि फुटवेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मानसून के टाइम पे, बिकॉज जो शूज़ अगर बच्चा पहना रहता है तो शूज़ जल्दी सूखते नहीं हैं, उनके अंदर ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो करता है अगर शूज़ गीले हो जाते हैं तो, और उससे बच्चों को रैशेज भी ज़्यादा हो सकते हैं उनके पैरों में, इन्फेक्शन वगैरह भी ज़्यादा हो सकता है। अगर बच्चा स्लीपर्स पहन के बाहर जाता है तो स्लीपर्स में बारिश का पानी ज़्यादा जल्दी बच्चे के पैरों में लग सकता है, बच्चा ज़्यादा खेलेगा, ज़्यादा देर उसका पानी से कांटेक्ट में आएगा बारिश के पानी से, तो उसमें भी बच्चों को इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए बेस्ट रहते हैं ये क्रॉक्स। पहली बात तो ये स्लिप नहीं होते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं, बच्चे का पैर भी इससे कवर रहता है, जल्दी सूख भी जाते हैं एंड कूल भी लगते हैं पहनने में, राइट। तो इसलिए मैंने परचेस किए ये क्रॉक्स आरुष के लिए एंड उसको बहुत 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 पसंद आया। हाँ, अम्ब्रेला हो गया, फुटवेयर हो गया, अब है थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज मानसून की, वो है स्किन केयर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं आरुष के ऊपर काफी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, मैं उसको एक सिंगल स्किन केयर प्रोडक्ट पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो बच्चे की बॉडी के और उसी स्किन केयर प्रोडक्ट पे यूज टू हो जाए, फिर उसको कोई और सूट ना करे जब वो बड़ा हो, इसलिए मैं उसमें चेंजेस या वेरिएशंस करती रहती हूँ। मैं वेदर को लेकर भी काफ़ी सारे चेंजेस करती हूँ, जैसे कि अगर समर होता है तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो बहुत सॉफ्ट होते हैं बच्चे की स्किन पे, बहुत माइल्ड होते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। जब विंटर होता है तो मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो बहुत ऑयली होते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ड्राई रहती है, ताकि वो मॉइस्चराइज रहे, तो ज़्यादा उस टाइप के प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए विंटर के टाइम पे। और रही बात मॉनसून की, तो मॉनसून में भी स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनसून ऐसा टाइम है जब बच्चों को सबसे ज्यादा रैशेज होते हैं, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों की स्किन ड्राई होती है एंड उनका पीएच बैलेंस बिगड़ जाता है स्किन का, और बहुत स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो मॉनसून का आप जो समर के प्रोडक्ट्स हैं या विंटर के प्रोडक्ट्स हैं वो मॉनसून में काम नहीं आते हैं बच्चों के, तो मॉनसून के लिए मैं अलग प्रोडक्ट आरुष पे यूज करती हूँ। पहले तो मैंने उस प्रोडक्ट का ट्रायल वर्जन यूज किया था, बट इस बार जब आरुष को वो सूट कर गया है तो मैंने उसका बड़ा पैक मंगाया है, तो वो है ये बेबी हक का एडवांस सेंसिटिव बॉडी लोशन, बेबी हक का एडवांस सेंसिटिव शैम्पू और बेबी हक का एडवांस सेंसिटिव हेड टू टो वॉश। तो ये मैंने परचेज किया है इस बार आरुष के लिए, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं मॉनसून में आरुष पे वो ही स्किन केयर यूज़ करती हूँ जो सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छे होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, जो इरिटेशन को रोकते हैं स्किन पे, जो रैशेस को रोकते हैं और जो बहुत काम और सूद करते हैं स्किन को, क्योंकि ईचिंग वगैरह बहुत होती है इस टाइम पे मॉनसून में बच्चों को, ईचिंग होती है, रैशेज होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए मॉनसून के टाइम पे जो बच्चे की स्किन को सूद करे। तो इसमें है साइरिकाल CLR, ये प्लांट बेस्ड है, प्लांट बेस्ड एलिमेंट है
जो बच्चे की स्किन को बहुत सूद करता है, बहुत काम डाउन करता है, दिस इज द बेस्ट ड्यूरिंग मॉनसून। तो मैंने ये पूरा कॉम्बो परचेस किया आरुष के लिए। लेट मी शो यू दिस। सी, ये है बेबी हक का एडवांस सेंसिटिव पीच मिल्क बॉडी लोशन, पीच मिल्क हेड टू टो वॉश और पीच मिल्क शैम्पू। वैसे बेबी हक के आइटम काफी रीजनेबल प्राइस में आते हैं, पर इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर है बाकी बेबी हक के प्रोडक्ट से, बिकॉज इसकी क्वालिटी भी उसी हिसाब से है। इसका कॉम्बो का प्राइस था 675 रुपीज एमआरपी था, पर ये अभी जो सेल चल रही है उस पे ये मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 281 रुपीज का। बात करते हैं फेस मॉइस्चराइजर को लेकर, तो फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैंने परचेज की है ये बेबी सेवा मेट की क्रीम, जो है एक्स्ट्रा सॉफ्ट फॉर डेलिकेट स्किन विथ पैथनॉल, जो बहुत 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 अच्छी है। मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ एंड मेरा मन मॉनसून में इसको लगाने के अलावा किसी पे जाता नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं भी इसको यूज कर लेती हूँ क्योंकि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। आई मस्ट से आप कभी शायद कीजिएगा। लेट मी शो यू, ये है सेबामेड की एक्स्ट्रा सॉफ्ट क्रीम। इसका प्राइस है 230 रुपीज। डेंटल केयर को कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैं आरुष के टूथपेस्ट में हमेशा ये चीकू का टूथपेस्ट यूज कर सकती हूँ, तो मैंने इसको भी परचेस किया है इस बार। ये ऐसा टूथपेस्ट है जो मैंने आरुष के लिए हमेशा यूज किया है, इसमें कभी कोई मैंने चेंजेस नहीं किए क्योंकि आरुष को इसका फ्लेवर बहुत पसंद है एंड अभी तक कोई भी टीथ की प्रॉब्लम आरुष में नहीं आई है। हमेशा मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, तो यू कैन गो फॉर दिस। ये चीकू का टूथपेस्ट डेंटिफ्रिशियो नो फ्लोराइड फॉर किड्स। आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, तो आगे मैंने परचेस किया ये वाइप्स का पैकेट। ये परचेस किया फर्स्ट स्टेप्स का वाइप। इसका वाइप बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा मतलब इसकी जो वाटर कंटेंट है काफी अच्छा है, इसमें ज्यादा गीले भी नहीं है, ज्यादा सूखे भी नहीं है, तो परफेक्ट है इसका वाइप। तो हमेशा मैं यही वाइप यूज करती हूँ, पैम्पर्स का भी यूज करती हूँ, पर ये भी मेरा बहुत फेवरेट है। प्लेग्राउंड वगैरह जाते हैं आरुष बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मीन्स कीचड़ में कभी हाथ कर लेता है, कभी गंदे पैर कर लेता है, तो ज्यादा देर मैं उसको ऐसी गंदगी में नहीं रखती हूँ, तो हमेशा अपने साथ बैग में ये कैरी करती हूँ एंड फटाफट उसको क्लीन करती हूँ उसी टाइम पे जब वो गंदा होता है तो। एंड उसके स्कूल बैग में भी मैं वाइप्स रखती हूँ ताकि अगर वो कुछ भी पेस्ट क्रिएट हो गया खाना खाते वक्त या फिर आर्ट करते वक्त, तो वो खुद क्लीन कर सके। तो ये वाइप्स का पैकेट मस्ट चीज है जो ऑल टाइम बच्चों के पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया फर्स्ट स्टेप का वाइप्स। आगे है मॉनसून में, यस हम इसको कैसे भूल सकते हैं, मॉस्किटोज। मॉनसून आया और मॉस्किटोज आए, तो हम इसके बिना तो बच्चों को बाहर कभी नहीं भेज सकते हैं। तो मैंने परचेस किया ये बेबी हग का फैब्रिक रोल ऑन। ये मैं आरुष के कपड़ों पे लगाती हूँ एंड मच्छर से दूर रहते हैं। इसके बिना तो मैं आरुष को बाहर बिल्कुल भी नहीं भेजती हूँ, तो ये मॉनसून में ये मस्ट चीज है फैब्रिक रोल ऑन मॉस्किटोज बचाने के लिए। आप स्प्रे भी यूज कर सकते हैं, काफी चीजें यूज कर सकते हैं, बट आई प्रिफर दिस फैब्रिक रोल ऑन क्योंकि आरुष को इसकी स्मेल से प्रॉब्लम नहीं आती है और उसकी स्किन पे भी नहीं लगता है, तो काफी सेफ है ये, बस कपड़ों पे लगाना है और मच्छर बच्चों से दूर रहते हैं। तो मैंने ये भी परचेस किया है एंड इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, आरुष को पसंद है, तो इसको लगाने पे वो नाटक नहीं करता है। इसका प्राइस है 95 रुपीज एक रोल ऑन का, बट ये मुझे 54 रुपीज में मिला था सेल के होने की वजह से, तो यू कैन चेक बुक फॉर इट। बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे ये लगवाने में भी नाटक करते हैं, कुछ बच्चे ओडोमॉस लगवाने में नाटक करते हैं, कुछ बच्चे कुछ ही लगाना चाहते हैं, बस उनको प्लेग्राउंड में जाना है खेलने के लिए, मॉस्किटो से नहीं बचना है, तो उसके लिए मैंने परचेस किया है ये वॉच काइंड ऑफ थिंग है, ब्रेसलेट है बच्चों के लिए जो मॉस्किटो से बच्चों को बचाता है। हाँ, ये मैंने मॉस्किटो से बच्चों को बचाता है, मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा ये ऐसा होता है क्या, तो मैंने परचेस करके देखा कि कैसा है ये, तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया। पैकेजिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर अंदर से देखिए तो ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा था, बहुत क्यूट प्रिंट है देखिए इसका बेयर वाला, एंड इसको लगाना खोलना भी काफी आसान है, केवल ऐसे करके ऐसे खोल के इसको लगाना है, बहुत इजी है ये। तो ये मैंने मंगाया है, इस देखिए इसमें लाइट भी जलती है इस तरीके से, बच्चा जब खेलेगा तो इसमें लाइट भी जलेगी इस तरीके से, और आप सोचेंगे कि ये मॉस्किटो से बच्चों को क्यों कैसे बचा लेता है। इसके अंदर है 30 काइंड ऑफ प्लांट्स के एसेंशियल ऑयल, इकलिप्टस ऑयल टाइप के काफी चीजें इसके अंदर है, तो इसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आती रहती है
और इस खुशबू की वजह से ही मच्छर बच्चों से बच्चों के आसपास नहीं भटकते हैं एंड हमारे बच्चे मॉस्किटो से सेफ होते हैं। तो अगर आपके बच्चे कोई बहुत नाटक करता है कुछ भी लगवाने हैं मॉस्किटो से बचने के लिए, तो यू कैन गो फॉर दिस ब्रेसलेट। बच्चे को बहुत कूल लगता है पहनने में, बच्चे बिल्कुल नाटक नहीं करते हैं, खुशी खुशी इसको पहनते हैं और स्मार्ट भी लगते हैं और मच्छरों से बच भी जाते हैं। तो प्लीज गो फॉर इट। इसका प्राइस था 250 रुपीज। जी हाँ, इसका प्राइस था 250 रुपीज, बट सेल में आपको और सस्ते मिलेगा एंड मेरा कूपन लगा के भी आपको और सस्ते मिलेगा, तो गो फॉर इट। सो गाइज, मैंने यही सब परचेस किया था फर्स्ट क्राई से, तो अगर आपको भी मेरी परचेस पसंद आई हो तो यू कैन गो फॉर इट। सबकी परचेस लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं वो कूपन कोड की जो आपको दिलवाएगा 50% ऑफ ऑन फैशन एंड 45% ऑफ ऑन नॉन फैशन आइटम्स। तो वो कूपन कोड है ABHIMJ11। तो यू कैन जस्ट टाइप दिस कूपन कोड इन अप्लाई कूपन सेक्शन, आप वहां पे कूपन कोड डालिए, यू कैन रिडीम द डिस्काउंट, आपको सारे डिस्काउंट आसानी से मिलेंगे। तो प्लीज गो फॉर इट। एंड अगर आपको मेरी परचेस पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, मैं चलो सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि जो आने वाले वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि वो मेरी लाइफ अपडेट्स हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस मेरी लाइफ में होने वाले हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, तो यू विल बी शॉक्ड। और इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वो वीडियो और मेरी लाइफ अपडेट मालूम पड़ जाए। तो प्लीज वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि उसमें आपको मिलने वाली धमाकेदार न्यूज। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय एंड हैप्पी नाइस डे।